लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभार समाचार को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभार। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। शिक्षकों को प्रेरणा ऐप से देना ही होगा उपस्थिति। भारत पुरातन काल से ही विश्व गुरु रहा है, इसे फिर से वही सम्मान दिलाने के लिए मोदी योगी सरकार प्रयासरत है। परिषदीय स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता के लिए शिक्षकों को प्रेरणा ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति देनी ही होगी। अब शीघ्र ही शासन द्वारा प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके बाद प्रेरणा ऐप का संचालन अनिवार्य हो जाएगा। यह वक्तव्य ललितपुर में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहे। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की उन्नति के लिए योगी सरकार पूर्णतः प्रतिबंधित है। जनपद में पूर्ववर्ती सरकारों के समय उर्दू शिक्षक भर्ती में यदि धांधली हुई है तो मामले की जांच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेधावी छात्रों के बीच मौजूद शिक्षा मंत्री नहीं, हमने शुरू में स्वैच्छिक किया था, हमको ये उम्मीद थी कि सब लोग अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करेंगे, लेकिन लोग नहीं करना चाह रहे हैं तो हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम हर स्कूल को एक टैबलेट देने वाले हैं, जल्दी एक दो महीने में वो टैबलेट दे देंगे और जब वो टैबलेट हम स्कूल को उपलब्ध करा देंगे तो ये व्यवस्था अनिवार्य हो जाएगी, फिर सबको इस पर अपना अटेंडेंस देना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट रोल बैक तो नहीं आ रहा? ना, रोल बैक का कोई सवाल ही नहीं। मंत्री जी, जिन स्कूलों में लाइट की व्यवस्था नहीं है और वहाँ नेटवर्क नहीं आते, वो टैब कैसे काम करेगा? ना, उसमें नेटवर्क की जरूरत नहीं है, वो जीपीएस बेस्ड सिस्टम है, उसमें इंटरनेट का नेटवर्क जिस समय नहीं भी रहेगा, आप फोटो लेंगे तो जब फोन नेटवर्क में आएगा या जब भी नेटवर्क आएगा तो उसी समय का टाइम और उसी समय का लोकेशन बताएगा। ये मामला हमारे संज्ञान में नहीं था, आपने आज ये बात बताई है। अगर फर्जी नियुक्तियाँ, फर्जी, हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, पूरे प्रदेश में फर्जी शिक्षक, उनकी सघन जांच हो रही है, बर्खास्त हो रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर यहाँ उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति में भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो भी एक साल से जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट भी आ गई है। अगर रिपोर्ट आ गई है तो वो रिपोर्ट हम मंगा करके शासन में जल्दी उस पर करेंगे। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए